नमस्कार दोस्तों, मान लीजिए आपके जान पहचान कोई आदमी है, कोई मित्र है, कोई पड़ोसी है, वो बार बार कुआं में कूदने की बात करता है, बोलता है कि हम कुआं में कूद के जान दे देंगे। और बड़ी बात तो यह है कि आप उसे बार बार समझाते हैं, देख भाई कुआं मत कूद, तुम्हारा जान जाएगा तो बहुत ही नुकसान होगा, तुम्हारे परिवार को देखेगा। दोस्तों आप उसे समझा सकते हैं, लेकिन फिर वो हट पे है कि नहीं हमें कूदना ही कूदना है, तो आप क्या करेंगे? जाओ भाई, तुम्हें कूदना है तो कूदो, तुम्हें डूबना है डूबे, हमें क्या। सेम टू सेम दोस्तों भारत के पड़ोसियों के साथ है। भारत के तमाम पड़ोसी कुआं में डूबने के लिए, मरने के लिए तैयार है, और हम लोग बार बार उसे बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसे छोड़ते नहीं है दोस्तों। हम लोग को छोड़ देना चाहिए, जिसे डूबना है वो डूब जाए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती उसे खींचते हैं। और एक बार फिर से श्रीलंका ने भारत को बहुत बड़ा तगड़ा धोखा दिया, कह सकते हैं कि दगादारी किया है, कह सकते हैं कि इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विश्वासघात श्रीलंका ने 2021 में कर दिया। दोस्तों महिंदा राजपक्षे ने अपना चरित्र दिखाया है, दिखा दिया है कि जिस लंका में पहले रावण था, जिस लंका में विभीषण था, वही आज भी है, हम विभीषण हैं, न इधर का है न उधर का है। दोस्तों श्रीलंका ने जो करनामा किया है ना, हम लोग को सोचना चाहिए कि अब क्या करना हो, हम लोग को अब श्रीलंका को प्यार से बात करना चाहिए, या फिर उस पर हम लोग कुछ करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों बहुत कुछ किया है, इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझा कर हुआ किया है। और बड़ी बात तो यह कि भारत सरकार ने सीधा श्रीलंका को धमकी तक दे दिया है, चेतावनी दे दिया है, बहुत कुछ कहा है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए आप जानते हैं भारत के बारे में कहा जाता है उदारवादी दिल, यानी कि सबके लिए सोचने वाला। भारत के बारे में दोस्तों पूरे दिन जानता है कि भारत खुद दुख सह सकता है, लेकिन अपने पड़ोसी को कभी भी दुखी नहीं दे सकता है, कभी भी आग में जलता हुआ नहीं देख सकता है। और दोस्तों यही कारण है कि भारत के तमाम पड़ोसी भारत का फायदा उठाता है, कह सकते हैं कि भारत इतना देता है, इतना पैसा उसे देता है, दान देता है, सब कुछ देता है, लेकिन वो उसका मजबूरी का फायदा उठाता है, कह सकते हैं कि उदारवादी होने का फायदा उठाता है। उसकी तुलना में देखें चीन का, चीन क्या है, चीन अपने तमाम पड़ोसियों को हमेशा हरका के रखता है, सब पे दबाव बनाता है, और यही कारण है कि चीन का कोई पड़ोसी चीन को आंख तक दिखाता है। और बड़ी बात तो यह है कि चीन के खिलाफ कोई भी एग्रीमेंट करने से डरता है, और चाहे चीन से दुश्मनी क्यों ना रहे, लेकिन चीन को फिर भी वो खासतौर पे धमकाने से बचता है, किसी से एग्रीमेंट करने से बचता है। दोस्तों यही सच्चाई है, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग चाहे नेपाल को पैसा दे दे, चाहे नेपाल को कहीं भी साथ ले चले, चाहे नेपाल को कुछ भी दे दे, चाहे खासतौर पे मालदीव को देखिए, श्रीलंका को देखिए, म्यांमार को देखिए, दोस्तों ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कभी इधर तो कभी उधर, यानी कि खासतौर पे पैसा हमारा खाएगा, हम लोग से वैक्सीन फ्री मिलेगा, कह सकते हैं कि हम लोग से हर तरह का दवाई लेगा, हम लोग से हर प्राकृतिक आपदा में, हर मुसीबत में सहायता मिलेगा। इतना ही नहीं, जब जब उस पर बड़ा मुसीबत आता है, जब जब उस पर खासतौर पर संकट आता है, वो सबसे पहले भारत सामने में हाथ फैलाता है, भारत उसका मदद भी करता है, पैसा भी देता है, क्रेडिट ऑफ लाइन लोन देता है, दोस्तों सब कुछ देता है। और बाद में जैसे ही मुसीबत खत्म हुआ, अपना समय निकल गया, तो फिर चीन के गोद में जाके बैठ गया। दोस्तों यही सच्चाई है, और इस बार श्रीलंका ने फिर से वही साबित कर दिया है। आप जानते हैं श्रीलंका 2017 में दोस्तों बहुत बड़ा मिस्टेक किया था, कह सकते हैं कि अपना हवन टोटा बंदरगाह चीन को सौंप दिया था, चीन को दोस्तों कर्ज के कारण से सौंप दिया था, और चीन ने उसे अपने अंदर ले लिया था, 99 साल के लिए लीज पे ले लिया था। उस समय श्रीलंका में जगह जगह विद्रोह भी होता था, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना ये सब केवल दिखावा है, दोस्तों श्रीलंका के लोग उस समय केवल दिखावा कर रहा था। और बड़ी बात तो यह है कि फिर से उसी सरकार को दोबारा सत्ता में लाया, कह सकते हैं कि जिस सरकार ने श्रीलंका को हवन टोटा बंदरगाह दिया था, उसी ने फिर से सत्ता हासिल किया, और बड़ी बात तो यह है कि श्रीलंका को फिर से डुबाने का प्रयास कर दिया है। आप जानते हैं 2019 में भारत श्रीलंका जापान में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत भारत सरकार और जापान सरकार श्रीलंका को अब चीन से बचाएगा, श्रीलंका को जो विकास करना है करे, उसे पैसा देगा। और दोस्तों उसी संबंध में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे एग्रीमेंट हुआ था, जिसका नाम था वेस्ट कंटेनर टर्मिनल पोर्ट। दोस्तों आप जानते हैं कोलंबो के पास है, यानी कि भारत ने बोला और जापान ने बोला कि हम तुम्हें 49% पैसा देंगे, चाहो तो तुम पूरा का पैसा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें हम 100% पैसा दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस समय श्रीलंका ने बोला कि नहीं, आप केवल हमें 49% दे दे, बाकी हम 51% खुद पैसा लगाएंगे, और हम लोग फिर से वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को बनाएंगे, और चीन से पैसा नहीं लेंगे, हम लोग विकास करेंगे, और कोलंबो में उसे बहुत ज़्यादा, यानी कि कोलंबो पोर्ट के हम लोग चमका देंगे, उसे खूब कमाएंगे। दोस्तों 2019 में ये एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि 2021 शुरू होते ही श्रीलंका ने इस एग्रीमेंट को सारेआम तोड़ दिया है, उसे ख़त्म कर दिया है, और महिंदा राजपक्षे ने यह बता दिया है कि हम चीन का पहले भी गुलाम थे और आप भी हैं। दोस्तों पूरे दुनिया सदमे में है, चौंक गया कि आखिरकार श्रीलंका ये क्या कर दिया है। वैसे भी दोस्तों दो पक्षी एग्रीमेंट बिना
सहमति का नहीं टूटता है, कह सकते हैं कि मान लीजिए दो पक्षीय कोई अग्रीमेंट हो गया, ठीक है, हमसे या फिर अमेरिका से हो गया है, भारत से अमेरिका से, तो फिर दोनों को सहमति होनी चाहिए, उसके बाद दोस्तों ये अग्रीमेंट टूटता है। लेकिन श्रीलंका ने एक तरफा फैसले लेके उस एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका ने जापान को भी धोखा दिया है, भारत को भी दिया है, और बड़ी बात तो यह कि चीन के गोद में जाके फिर से बैठ गया है, चीन का गुलाम होने का फिर से सबूत दे दिया है। और इसीलिए भारत ने ओपनली श्रीलंका को धमकी तक दे दिया है, बता दिया कि श्रीलंका ये क्या कर रहा है, श्रीलंका फिर से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जा रहा है, श्रीलंका आखिरकार हमारे एग्रीमेंट को क्यों तोड़ा, हमारे एग्रीमेंट में आखिरकार कमी क्या था, श्रीलंका आखिरकार क्या समझ के ये एग्रीमेंट को तोड़ा है। श्रीलंका बहुत बड़ा खतरनाक कदम उठाया है, श्रीलंका को दो पक्षीय समझौता का सम्मान करना चाहिए, श्रीलंका अपने आप को नीचे गिरा लिया। दोस्तों भारत ने बहुत कुछ कहा, बोला कि श्रीलंका आखिरकार क्यों कर रहे हैं पता है। दोस्तों भारत ने कहा कि श्रीलंका का अगर यह हरकत रहा तो आने वाले समय में श्रीलंका को कोई कुछ नहीं देगा, श्रीलंका सेम टू सेम पाकिस्तान जैसा हो जाएगा और चीन का गुलाम बन जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उधर श्रीलंका सरकार है ना, महिंदा राष्ट्रपति, उनका कहना है कि हमने ये जो किया है ना, ये अग्रीमेंट तोड़ा है ना, उस पे हम पे बहुत दबाव था, यानी कि हमारे देश के आम लोग हमको विरोध कर रहा था, बोला था कि भारत जापान से ये अग्रीमेंट तोड़ो और उसे हटा दो, इसीलिए इस कंटेनर टर्मिनल पोर्ट से हम भारत को हटा दिए हैं और भारत से हम अग्रीमेंट तोड़ दिया क्योंकि हमारे लोग हम पे दबाव था। पूछेंगे ये सच्चा है क्या, दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये श्रीलंका सरकार झूठ बोल रहा है। श्रीलंका के जो आम लोग है दोस्तों, आप जानते हो वहाँ पे बुद्धिज्म अधिक फ्लो होता है, उनका कहना है कि हम भारत से ही खास तौर पर मित्रता रखेंगे। और दोस्तों वहाँ पे कुछ चंद लोग हैं ना जो कम्युनिस्ट को फॉलो करते हैं, जो कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने इस तरह का प्रोटेस्ट किया, खास तौर पे दोस्तों थोड़ा बड़ा लोग, खास तौर पे महिंदा राजपक्षे का भी यहाँ पे हाथ था क्योंकि उनके सत्ता के लोग ही दोस्तों इस तरह का खास तौर पे विद्रोह करवाया, खास तौर पे वहाँ पे प्रदर्शन करवाया और बाद में ये बहाना मार दिया कि देखो भाई हमारे लोग हम पे विद्रोह कर रहा है, हमसे प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए हम लोग ये एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं। जबकि सच्चाई तो यह दोस्तों, श्रीलंका के 80-90% लोग आज से 2 साल पहले पूरा श्रीलंका विद्रोह किया था, बोला था कि हवन टोटा बंदरगाह से चीन को भगाओ, लेकिन चीन के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, चीन के लिए कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि 90% लोग सड़क पर उतर गया था। लेकिन यहाँ पे कुछ चंद मुठ्ठी लोग खावल इस तरह का भाषणबाजी किया, नारेबाजी किया और बदले में श्रीलंका सरकार ने भारत के साथ एग्रीमेंट तोड़ दिया। दोस्तों ये सब केवल दिखावा है, ये केवल प्रोपेगेंडा है, भारत को खासतौर पे धोखा देने का प्रयास किया है और चीन के साथ मिलके ये बड़ा षड्यंत्र रचा है। लेकिन पता होना चाहिए श्रीलंका अपने पैर में अब बहुत बड़ा कुल्हाड़ी मार चुका है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि आखिरकार श्रीलंका चीन के दबाव में इतना कैसे फंस गया, आखिरकार चीन ने उसे कितना पैसा खिलाया है, कितना पैसा दिया है। दोस्तों एक बात बताता हूँ आपको, जब से आज़ादी मिले भारत को ना, तब से लेकर अगर अब तक जोड़े तो श्रीलंका हो या फिर नेपाल हो या फिर मालदीप हो, म्यांमार हो, दोस्तों भारत ने सबको बहुत ज़्यादा पैसा दिया, इवन पाकिस्तान को भी बहुत पैसा दिया है। कह सकते कि आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान बना उसमें भी पाकिस्तान को बहुत पैसा दिया था। कह सकते कि अगर टोटल जोड़ दिया जाए ना, तो चीन का अभी तक जितना लोन दिया है ना, उतना भी नहीं होगा दोस्तों। चीन तो केवल लोन दे के फंसाने का काम करता है, लोन दे के उसे फंसा लेता है, लेकिन भारत क्या करता है, उसे लोन दे के फंसाता नहीं है, अपना उदार नीति दिखाता है, दिखाता है कि मेरा दिल कितना बड़ा है, हम पड़ोसी के लिए क्या चाहता है। यानी कि भारत हर साल तमाम पड़ोसियों को कुछ ना कुछ अनुदान देता है, इन सब के अलावा क्रेडिट ऑफ लोन देता है और अपने सहयोगी को मदद करता है। और जब जब भी वो चीन से फंसता है, खासतौर पर देखें दोस्तों मालदीव जब चीन से फंस गया था, तो चीन का लोन चुकाने के लिए भारत ने मालदीव को पैसा दिया, बोला कि पैसा लो, चीन को लोन चुकाओ। यहाँ भारत चाहता तो मालदीव को गुलाम बना सकता था, बोलता था कि नहीं जो हाल तुम्हें चीन किया था वही हाल हम करेंगे दोस्तों, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत का एक ही नीति है, पड़ोसियों को खुश रखना, लेकिन पड़ोसी हमेशा धोखा देता है, दगाबाजी करता है, इसीलिए भारत हमेशा दुखी रहता है।